ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही रेयर बीमारी है, मगर उसके जो सिम्टम्स हैं वो बड़े कॉमन हैं। तो जैसे सर में दर्द, सर में दर्द एक बहुत ही सामान्य लक्षण है। आपको अचानक से कोई सर में दर्द आया हो, नया सर में दर्द है, या बहुत पुराने हल्के फुल्के दर्द में बढ़ोतरी हो रही हो, आँखों में धुंधलापन आए, बात करने की क्षमता, याददाश्त, एक तरफ हाथ पाँव की कोई कमज़ोरी दिखे या कुछ झंझनाहट शुरू हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो कि बड़े सामान्य तौर से आते हैं, मगर उनको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आजकल ये बहुत चर्चा में है कि जो हम मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या टैब्स यूज़ करते हैं, उसमें जो नीली रोशनी होती है या जो ग्लेयर होता है, उससे क्या ब्रेन ट्यूमर होने के चांसेस में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे बहुत सारे शोध किए गए हैं पूरी दुनिया में, मगर कोई डेफिनेट प्रूफ अभी तक नहीं मिला है कि उससे ब्रेन ट्यूमर के इंसिडेंस में इजाफा होता है। धूम्रपान, जैसे तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, शराब का सेवन से हम परहेज रखें। जेनेटिक कारण बहुत ही कम क्षेत्र में पाया जाता है ब्रेन ट्यूमर्स में। एज एक फैक्टर समझते हैं कुछ विशेषज्ञ कि ज़्यादा उम्र में ब्रेन ट्यूमर के चांसेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेल और फीमेल जेंडर का कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है, मगर कुछ ब्रेन ट्यूमर जैसे मेनिंजोमास फीमेल्स में, लेडीज़ में ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा जो ट्यूमर कहीं और हो शरीर में, उस जगह से भी ब्रेन में ट्यूमर स्प्रेड कर सकता है। इसीलिए अगर जिन व्यक्ति को किसी और कैंसर की बीमारी से वो सफ़र कर रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनके इस स्क्रीनिंग को ध्यान में रखना चाहिए कि उसका स्प्रेड कहीं ब्रेन में भी तो नहीं हो रहा। तो यही सब कारण है जो हमें ध्यान में रखने हैं। ब्रेन ट्यूमर का जो ट्रीटमेंट है, उसको क्योर करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि किस टाइप का ब्रेन ट्यूमर है। तो बेसिकली दो कैटेगरीज होते हैं ब्रेन ट्यूमर के। एक होता है बिनाइन, बिनाइन मतलब कि जिसमें कोई कैंसर आदि के लक्षण नहीं होते, और दूसरा होता है कैंसरस ब्रेन ट्यूमर, जो कि कैंसर से ब्रेन ट्यूमर का एक डायरेक्ट संपर्क रहता है। अगर बिनाइन है और हम सर्जरी करके उसको पूरी तरह से उस ब्रेन ट्यूमर को निकाल पाते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि उस ट्यूमर का साइज़ कितना है, ब्रेन में लोकेशन कहाँ है, मगर अगर वो ट्यूमर पूरा निकल आता है और वो बिनाइन है, तो फिर हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि क्योरेबल है वो। मगर अगर रिपोर्ट में आता है कि कैंसरस है, तो फिर हमें आगे उसका ट्रीटमेंट रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी इत्यादि टेक्निक से करना पड़ता है।